क्या? किसने की? आप ही की लड़कियां कुसुम और काजल, जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है। और वो चुकनू भी है वहाँ, उस नई लड़की और उसके पति के साथ में। आप होशियार रहना। कहाँ है सुनंदा? अरे मुझे नहीं पता, अंदर जाके कमरों में देखो जल्दी। मेरा कोई? सारे कमरे छान मारे, अंदर कोई भी नहीं है। लगता है उसे हमारे आने की खबर लग गई, इसलिए वो यहां से भाग गई है। आप फिक्र मत कीजिए, अब हमारे पास सबूत और गवाह हैं। छोड़ेंगे नहीं उसे, हमें उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करना होगा, वरना इन सब की जान खतरे में पड़ सकती है। सुनंदा बचकर नहीं जानी चाहिए, चारों तरफ छान मारो। यहाँ तो कोई नहीं, पर मुझे खबर तो पक्की मिली थी। अरे यहाँ भी नहीं है तो फिर गई कहाँ? वो यहाँ नहीं है, लगता है शहर छोड़ चुकी हैं वो। मैं फिर से कभी ये काम नहीं करूंगी। मुझे पुलिस के पास मत भेजो, मुझे जेल मत भेजो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। कुमत, तुम तो अपने पति के साथ जा रही हो ना, मुझे क्यों बर्बाद कर रही हो? मुझे जेल मत भेजो, मुझे माफ कर दो, मुझ पे दया करो। चलो इंस्पेक्टर साहब, क्या हम इससे 2 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, हम बाहर ही हैं। थैंक यू। क्या तुम्हें दया आई थी जब वो मासूम लड़कियां तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी? जाने दिया था तुमने उन्हें, तो फिर हम तुम्हें क्यों जाने थे? तुम्हें माफ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारी सजा थोड़ी कम की जा सकती है। अगर अब तुम हमारी मदद करो तो। मदद? कैसी मदद? गुमान का सच बताकर। गुमान? हमें गुमान का राज जानना है। मुझे कोई राज नहीं मालूम गुमान का। उस राज के बारे में सिर्फ तुम जानती हो, और अब तुम बिना छुपाए हमें सब कुछ बताने वाली हो। यह आखिरी मौका है तुम्हारी प्रायश्चित करने का, बोलो। तुम्हें जेल तो जाना ही होगा, पर कोई अच्छा काम करके जाओगी तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। इस राज को छुपाने के लिए गुमान से मुंह मांगे पैसे लिए हैं, अब अगर इसे खोल दिया तो सिर्फ मैं जानती हूँ कि कैसे वसूल कर सकती है वो। पर अगर नहीं बताया तो गुमान तो नहीं आने वाली मुझे छुड़ाने, और ये लोग अच्छा इंतजाम कर डालेंगे मेरा जेल में। फंस गई सुनंदा। जितना मैं जानती हूँ ना उतना आप दोनों को बता देती हूँ। आज से कुछ 20 साल पहले गुमान एक छोटे से बच्चे को लेकर आई थी दाइमा के पास, और समझ लीजिए कि ये बच्चा कभी था ही नहीं। पर ये बच्चा है किसका? मैं आपसे काम की कीमत नहीं पूछूंगी,
आप मुझसे इसका नाम और पता मत पूछिए। इसका नाम और निशान मिटाने के लिए ही इसे यहां लाई हूं। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए इस बच्चे को और इस राज को आज ही दफना दो। कहाँ जा रही है दाइमा? क्या करना चाह रही है इस बच्चे के साथ? इससे तुझे क्या? इस बच्चे को मारने के लिए आपको जितने पैसे दिए गए हैं मैं आपको उससे ज्यादा पैसे दूंगी। ये बच्चा आप मुझे दे दीजिए। देखिए दाइमा, आपको किसने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, ये सब मैं जानती हूँ। अब ये राज राज नहीं रहा है। अच्छा रहेगा कि लीजिए दाइमा, ये पैसा ले लीजिए और ये बच्चा मुझे दे दीजिए। मैं भूल जाऊं कि कोई बच्चा मेरे पास आया था, लोग इसे मारे या जिंदा रखे, इससे मुझे क्या? एक बहन दफन करने के लिए कह रही है और एक बहन साथ ले जा रही है। आखिर तुम दोनों बहनों का इससे रिश्ता क्या है? रिश्तों का नाम नहीं होता दाइमा। कुछ रिश्ते तो ऐसे ही जिंदगी के साथ बन जाते हैं। जाने दीजिए दाइमा, ये आप नहीं समझेंगे। और मेनका उस बच्चे को लेकर चले गई। मान भी नहीं जानती कि वो बच्चा अभी जिंदा है कि मर गया। पर वो बच्चा है कौन? क्या बस? वो सब तो मैं नहीं जानती, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने मेनका को कभी नहीं देखा। कुछ अता पता नहीं है उसका मुझे। पर वो बच्चा किसका था? उसके उसके माँ बाप कौन थे? मुझे कुछ नहीं पता वो बच्चा किसका था, कौन है, कहाँ है और अभी जिंदा भी है कि किसका बच्चा था। मैं बच्चे को मारना चाहती थी। पर उसने क्यों किया ये सब? क्या लेना देना था उसका बच्चे के साथ? ये सब जानती है, पता बताओ। मेरी कुंभ की कसम, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। गुमान भी नहीं जानती कि वो बच्चा मेनका लेके गई है, जिंदा है मर गया उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा मुंह बंद रखने के लिए मेनका मुझे हर महीने पैसे भेजा करती थी। और हाँ, वो गुमान ने भी मुझे मुंह मांगी रकम दी थी मुझको यहाँ रखने के लिए। मुझे दुगने पैसे देने का भी वादा किया था अगर तुम यहाँ से वापस नहीं जाते तो। देखो, मैंने तुम दोनों को सब सच बता दिया है, अब मुझे माफ कर दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करो। हेलो,